अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी 2 के 4th सेमेस्टर के पास्ट पेपर के MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQs, प्री लोड ऑफ द हार्ट मे बी डिक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। द मोस्ट अनलाइकली वुड बी प्री लोड में ज़्यादातर जो आपके हार्ट है सारी डिक्रीज हो जाएंगी, कंडीशंस कौन सी नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयरिंग फिनोमेना। हेयरिंग फिनोमेना के अंदर कौन सी नर्व्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिंथेसाइज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यानी कि कौन सा वो ऑर्गन है जो कि सिंथेसाइज करता है मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को, लिवर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉयड हार्मोन इन द बॉडी एक्टिंग ऑन द टिश्यूज। कौन सी सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है थायरॉयड हार्मोन की जो कि एक्ट करती है टिश्यूज़ के ऊपर, तो हमारे ट्राई आयोडो थायरोनिन, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 5, प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और कॉर्टिकल हार्मोन इज सिक्रेटेड फॉर्म। अब कॉर्टिकल हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारा जोना फेसिकुलेटा से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। अब थायरॉयड हार्मोन के टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले चेक करनी चाहिए, तो उसका TSH लेवल टेस्ट आपने सबसे पहले करवाना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजनाइटल डिफेक्ट्स मोस्ट लाइकली अकर इन द इंडिविजुअल्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में कौन से कंजनाइटल डिफेक्ट्स मोस्टली अकर होते हैं, तो हमारे पास कौन सा होता है, ASD आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि दिल में सुराख हो गया उसके। MCQs नंबर 8, सर्कल ऑफ विलस इज सिचुएटेड एट। अब सर्कल ऑफ विलस कहाँ पर होता है हमारे पास, बेस ऑफ ब्रेन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 9, कुशिंग सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय रेज्ड लेवल्स ऑफ। अब कुशिंग सिंड्रोम में कौन से हार्मोन का आपका लेवल बढ़ जाता है जो आप कहते हो कि कुशिंग सिंड्रोम इसको हो गया है, तो उसमें हम बोलते हैं ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 10, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स एट द लेवल ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, कहाँ तक, यानी कि वो जाती है लंबर 1 वर्टिब्रा तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 11, हाउ मैनी पल्मोनरी वेंस ओपन इन द हार्ट। पल्मोनरी वेंस कितनी हार्ट के अंदर ओपन होती है हमारे पास, 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 12, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 35 ईयर्स ओल्ड लेडी कम्स टू OPD विद लैब रिपोर्ट शोविंग रेस्ट TSH लेवल्स एंड डिक्रीज T3 T4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम शी इज सफरिंग फ्रॉम। अब आपके पास OPD में एक पेशेंट आई है, 35 ईयर ओल्ड लेडी, और उसकी जो लैब रिपोर्ट वो TSH लेवल उसकी बढ़ी हुई है और डिक्रीज T3 T4 है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम के शिकार है, हाइपोथायरॉयडिज्म का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 13, अ 50-year-old मेल वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट CVA। CT स्कैन ब्रेन शोज वाइटिश पैटर्न ऑफ द लिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ स्ट्रोक इन दिस पेशेंट। अब 50 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है, सही, आपके पास एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और उसकी हिस्ट्री क्या है, CVA की, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट की। उसका जब CT स्कैन हुआ तो उसका जब पाया गया कि उसके ब्रेन के वाइटिश पैटर्न आ रहा है लीजन जैसा, तो क्या कॉज हो सकती है उसके स्ट्रोक की, स्कीमिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 14, अ पेशेंट कम टू फिजिशियन विद द कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड ईजी फेटिगेबिलिटी, द डायग्नोस ऑफ डिजीज़ इज एडिसन। और इस एडिसन में क्या होता है हमारे पास, कौन सी चीज़ बढ़ जाती है आपके पास, ड्यू टू प्राइमरी क्रोनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशेंसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
MCQs number 15. Which of the following tests should be done first when assessing the functional status of the thyroid gland? से जब आप असेस कर रहे हो थायराइड ग्लैंड को असेस करने के, तो कौन सा टेस्ट आपने सबसे पहले करवाना है? TSH levels, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. MCQs number 16. Which of the following is the most likely cardiac consequence of hyperthyroidism? अब hyperthyroidism क्या अफेक्ट करता है कार्डियक के ऊपर, तो उसमें बताया टैकीकार्डिया कर देता है, आपकी जो हार्ट बीट है उसको क्या बढ़ा देता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 17. Modifiable risk factors of atherosclerosis include all of the following. The most unlikely is, यानी कि most unlikely या acceptable इसमें आ सकता है कि ये सारी हमारे पास डिजीज़ हैं जो कि atherosclerosis का रिस्क फैक्टर बढ़ा सकती हैं. कौन सी ऐसी जो कि नहीं बढ़ा सकती? तो अब फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 18. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज. अभी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा गया कि अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है बच्चों के अंदर तो उनको क्या कहा जाता है? रिकेट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. कौन सा ऐसा हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर जो कि इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ताकि वो आपको डेवलपमेंट ऑफ कैंसर से बचाए? कॉर्टिसोल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 20. TIA, ट्रांजिएंट स्कीमिक अटैक, अकर्स व्हेन न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स लास्ट फॉर. अब TIA कब होता है? जब न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम कब होते हैं? मोर देन 24 आवर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 21. Which of the following artery is most commonly involved in the patient suffering from stroke? अब जो पेशेंट स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी आर्टरी ज़्यादा अफेक्ट होती है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 22. एथेरोमा इज लाइकली मेड अप ऑफ. अब एथेरोमा किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल ऑनली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 23. इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम. अब इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? पेंक्रियास से, और पेंक्रियास के कौन से सेल से? बीटा सेल से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 24. मोस्ट अनलाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक वुड बी. अब इसकी सबसे ज़्यादा यानी कि अनलाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या होगी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की? न्यू प्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 25. प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन और कॉर्टिकल हार्मोन इज सेक्रेटेड फॉर्म. यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है हमारे पास? जोन ऑफ फेसिकुलेटा से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 26. फास्ट पेन इज ट्रांसमिटेड थ्रू. अब फास्ट पेन कहाँ से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है हमारे पास? टाइप ए फाइबर से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. टाइप बी से स्लो होता है, तो ये MCQs भी बन के आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा. MCQs नंबर 27. द मोस्ट लाइकली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्रेव डिजीज इज. आप ग्रेव डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, तो इसको आप देख लीजिए, ये थोड़ा MCQs में ऑप्शन मिसिंग है. MCQs नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक. तो इसमें हमारे पास कौन सी आर्टरी आती है जो कि स्ट्रोक से सफ़र कर रहे होते हैं? मिडल सेरिब्रल आर्टरी. MCQs नंबर 29. RA factor is most likely raised in the patient suffering from. अब RA factor किस में ज़्यादातर रेज होता है? कौन से patients में? Rheumatoid arthritis में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 30. प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है हमारे पास? जोना फेसिकुलेटा से, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 31. सोमेटोट्रोफिन्स ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसेस इन एडल्ट स्टमर्स. अब सोमेटोट्रोफिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है अगर अडल्ट के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कौन सी टर्मिनोलॉजी देते हैं? एक्रोमेगैली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डिसऑर्डर कॉमनली अकर्स इन ओल्ड एज फीमेल्स. अब ओल्ड एज फीमेल्स के अंदर बोन डिसऑर्डर कॉमनली कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs नंबर 33. कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड फॉर्म. अब कैल्सिटोनिन कहाँ से सेक्रेटेड होता है? पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स, ऑप्शन
ई इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 34। अ 45 ईयर्स ओल्ड मेल वाज एडमिटेड इन कार्डिक इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड फोर आर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डायग्नोस ऑफ दिस पेशेंट। अब 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है आपके पास जो कि एडमिट हुआ है कार्डिक इमरजेंसी में, और हिस्ट्री उसकी है सीवियर चेस्ट पेन की जो कि रेडिएट हो रहा है उसके साइड ऑफ लेफ्ट आर्म पे और फोर आर्म पे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, अप्रोप्रिएट डायग्नोस क्या होगी, कार्डिक एंजाइम्स इसके आपने चेक करने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर में कौन सा कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकता है, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 36। एथेरोमा इज लाइकली मेड अप ऑफ, एथेरोमा किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल ओनली। एमसीक्यूज नंबर 37। अ 60 ईयर्स ओल्ड मेल वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ राइट साइडेड पैरालिसिस ऑफ बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन मोस्ट लाइकली अफेक्ट इन दिस पेशेंट। अब 60 ईयर ओल्ड मेल है आपके पास एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और उसकी जो हिस्ट्री है किसकी है, राइट साइड उसकी पैरालाइज हो चुकी है, तो उसका कौन सा हेमिस्फीयर ब्रेन का डैमेज होगा और कौन सा अफेक्ट हुआ होगा, तो राइट की हुए तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि हमारे राइट साइड अगर पैरालाइज होगी तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि काम नहीं कर रहा या वो पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर क्रॉस कनेक्शन होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को देख रही होती है और राइट साइड लेफ्ट साइड को देख रही होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट पोस्ट एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉम्प्लिकेशन। अब एमआई की अर्लीस्ट पोस्ट एमआई की कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारे पास, कार्डिक एरिथमिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 39। आयोडीन डिफिशियंसी मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। अब आयोडीन की डिफिशियंसी मोस्ट लाइकली किस में डेवलप होती है, गोइटर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 40। डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर यूज इन डायबिटीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, सीटाग्लिप्टिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। Thank you. Hope you like it.